ग्राफ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सभी क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स के अंदर आपको मिलते हैं दोस्तों एक्सपर्ट्स आपके लिए एनालाइज करके हर एक क्वेश्चन लेकर आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं जो प्रीवियस पेपर्स न्यूज़पेपर, टॉप टेन मैगजीन सेंट्रल लेवल के एग्जाम और जो अभी के हाल ही के एग्जाम हुए हैं हर एक चीज़ को वेरीफाई करके आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों उन सभी एक्सपर्ट्स के लिए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है किसी भी तरह से इस एग्जाम को टैकल करना है तो ये है एचपी की हब टीम का नंबर यहाँ पर व्हाट्सएप करिए क्रैश कोर्सेस चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर तो आप उन्हें जरूर ज्वाइन करिए अगर आप फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं डेली मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो दोस्तों तब भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना आपके फ्री टेस्ट भी हो रहे हैं जिसमें आप हजारों स्टूडेंट्स के साथ अपना ग्राफ भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं क्योंकि तो वही स्टूडेंट्स आपके साथ परीक्षा हॉल में बैठने वाले हैं तो अगर एग्जाम से पहले अगर आपको अपना स्कोर कार्ड पता चल जाता है कि आपका इतना इतना स्कोर कार्ड बन रहा है वो भी फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टेस्टर्स है हर दूसरे तीसरे दिन आपके टेस्ट दिए जाते हैं फ्री में रहते हैं ये टेस्ट तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना डिटेल्स प्राप्त कर लेना किसी भी डिटेल्स के लिए और क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं फुल तब भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी क्लियर तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन की बात करेंगे वट आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लगाई क्योंकि ग्राफ सीरीज़ आपके ग्राफ के लिए ही है क्योंकि आप इससे अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं बताइए इसका सही आंसर क्या होगा द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर यानी कि मॉनिटर एंड प्रिंटर ठीक है आई होप आपका आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं अपना आंसर आप सोच सकते हैं द माउस टेक्निक टू एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक है इंपॉर्टेंट है चलिए इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन आपके सामने है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइट क्लिकिंग आई होप आपका सही आंसर होगा विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नो क्लियर करना पड़ेगा और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि बुक्स आपके कंसेप्ट क्लियर करेगी बुक्स आपको कभी भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर पास आउट करके नहीं देगी कंसेप्ट के लिए बुक्स आप रीड कर सकते हैं लेकिन टॉपिक एग्जाम के एग्जाम हो गए टॉप टेन मैगजीन में किस तरह के क्वेश्चंस है न्यूज़पेपर में किस तरह के क्वेश्चन है क्योंकि हमीरपुर बोर्ड ये सारी चीजें वेरीफाई करता है आपके एग्जाम के लिए ठीक है तो व्हाट्सएप कर लेना किसी डाउट क्वेश्चन के लिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर बी यानी कि प्रिंटर ठीक है इज द कॉमन इनपुट डिवाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है इंपॉर्टेंट है, है और ये क्वेश्चन हाईलाइटेड भी है बताइए इसका सही आंसर ऑप्शन आपके सामने है वीडियो को आप पॉज करके आंसर पढ़ के आप अपना आंसर सोच सकते हैं अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूंगा तो वीडियो जो हो बीस पच्चीस मिनट की हो जाएगी ठीक है की माउस इज द राइट आंसर बात हुई है कंप्यूटर की समस्त सूचना के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है सोचिए द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मॉनिटर आई होप सबका सही आंसर हुआ होगा और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का माउस है यानी कि वन ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग इज अ टाइप माउस वेरी वेरी दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्टिकल मैकेनिकल ठीक है ये आपको याद रखना है वट इज द नंबर ऑफ फंक्शन कीज की वर्ड की वर्ड में फंक्शन की संख्या होती है यानी कि फंक्शन की की संख्या की बात की गई है दोस्तों ठीक है तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक सा है, सभी को right NK, और, और कागज का संपर्क होता है ठीक है यानी कि प्रिंटिंग हेड की, की यहाँ पर बात की गई प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है बताइए इसका सही आंसर क्या होगा द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी इम्पैक्ट प्रिंटर अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड कीज यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कहते कहते हैं हैं की कीज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर जल्दी से आप सोचिए ए यानी कि मॉडिफायर ठीक है आई होप सबका सही आंसर हुआ होगा दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि टॉपिक के साथ सब टॉपिक और उन टॉपिक्स में जो आपके हाईलाइटेड की पॉइंट्स है बेसिक चीजें हैं एमसीक्यूज हैं और साथ में जो टॉप मॉडिफाइड क्वेश्चंस हैं हाइलाइटेड क्वेश्चंस हैं ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप डेली ऑनलाइन टेस्ट लगाते हो मॉक टेस्ट लगाते हो शॉर्ट नोट रीड करते हो आप बेस्ट प्रिपरेशन के साथ चलते हो तो सत्रह पोस्ट है दोस्तों आप एक सीट मिल जाएगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिवाइस इज यूज एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर्स एनवायरमेंट यानी कि ग्राफिकल यूजर एनवायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंट डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है ठीक है कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है कीबोर्ड माउस या फिर जॉयस्टिक ट्रैक वॉल ऑफ दीज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर माउस ऑप्शन क्वेश्चंस एक बार फिर रीड कर लीजिए विच डिवाइस इज यूज अ स्टैंडर्ड पॉइंट डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर्स एनवायरमेंट द राइट आंसर माउस ठीक है लेक्ट और हाईलाइट सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किस का प्रयोग किया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इमेज एंड पिक्चर्स फॉर कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर में कौन डाल सकता है इंपॉर्टेंट है सभी को क्वेश्चन आना चाहिए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन की स्कैनर नेक्स्ट यहां पर देखते हैं इज यूज टू रीड हैंड रिटर्न और प्रिंटेड टेक्स्ट टू क्रिएट अ स्टार्ट डिजिटल इमेज इन मेमोरी यानी कि मेमोरी में स्टार्ट डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्त लिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए डैश का यूज किया जाता है ऑप्शन सामने है जल्दी से सोचिए सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी स्कैनर दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि ग्राफ सीरीज आपके लिए है और जरूर इन सभी क्वेश्चंस को एंड तक देखा करें ठीक है अगर आप बीच में स्किप करके जाते हैं तो बहुत आपका नुकसान होने वाला है ठीक है और जो आपको डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स आ रहे हैं उनको आप डेली अटेंड करें क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं तभी ये क्वेश्चंस आपके सोल्व होते हैं ठीक है क्योंकि हम वहां पे बहुत कुछ डिस्कस करते हैं ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सब कुछ आपको लेक्चर मिल जाएंगे सीरीज वाइज ठीक है विच डिज विच डिवाइज इन कंप्यूटर सिस्टम वर्क अपोजिट द कीवर्ड कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति की वर्ड के विपरीत कार्य करती है अपोजिट द कीवर्ड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रिंटर क्लियर विच इज यूज टू मूव द अनदर लाइन इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इंपॉर्टेंट है इजी भी है मॉडिफाइड भी है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंटर की दोस्तों अब आपने क्या करना है व्हाट्सएप करिए एचपीजी की आपकी की टीम को और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के क्रैश कोर्स की डिटेल्स प्राप्त करिए फ्री टेस्ट कैसे आप लगा सकते हैं वो भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो हर एक डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए जुड़े रहिए तो फिलहाल दोस्तों साथ जय हिंद जय हिमाचल